हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड इफेक्टिवली। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुझसे एक रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चन कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द क्लास 10th प्री बोर्ड्स, कि आपके प्री बोर्ड्स नॉर्मली अप्रोच हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में या फिर बाय द स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। तो कुछ बच्चों के दो प्री बोर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन जनवरी एज वेल एज इन दिसंबर, तो फिर उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि प्री बोर्ड्स में किस तरह से मार्क्स आप ला सकते हैं। पर उससे पहले प्लीज़ गो एंड फॉलो द कोड इफेक्टिवली इंस्टाग्राम पेज एंड द आईडी हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, और साथ ही साथ मैंने लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो में। अब बात करते हैं कि आखिर आपको प्री बोर्ड्स में किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। सबसे पहले मेक श्योर कि आपका जो मटेरियल है कंप्लीट है, मतलब जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए जितना आप पढ़ के जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 चैप्टर्स हैं तो मेक श्योर कि अगर आप 8 चैप्टर्स करके जाएंगे तो उन 8 चैप्टर्स आप कंप्लीट करके जाएं और उनका स्टडी मटेरियल आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, दिस शुड बी कंप्लीट। और अगर आपने वो जो 8 चैप्टर्स करे हैं उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, दैट यू शुड नॉट लैक इन कॉन्फिडेंस। अगर आप मान लीजिए 10 में से अगर यू आर डूइंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 में से भी 5 करें, इफ़ यू आर डूइंग जस्ट 50% ऑफ द चैप्टर्स इन योर प्री बोर्ड, तो आपको उन 5 या 50% जो आपका सिलेबस है उस पर आपको कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि येस आई एम राइट एंड एवरी वन इज रॉन्ग। आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आई रिपीट ओनली कॉन्फिडेंस नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो आंसर बोल रहा हूँ वो 100% करेक्ट है। तो ये था कि कॉन्फिडेंस, यू शुड नेवर लैक इन द कॉन्फिडेंस। और उसके बाद जो आपका स्टडी मटेरियल है जितना भी आप करेंगे 10 चैप्टर्स 12 चैप्टर्स आउट ऑफ फॉर एग्जांपल 20 या फिर आपके जितने आपको ऐसे नॉर्मली जो 10th के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको चैप्टर्स अराउंड 10 के ही होते हैं, तो अगर आप कोशिश करें फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर फॉर द 100%। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर द 100%, तो जितना आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट रखें। ये नहीं कि अगर आपने 2 चैप्टर्स ही करे हैं और उस 2 चैप्टर्स में से भी आपको कुछ हेडिंग्स नहीं आती, कुछ आपको सब पार्ट्स उसके नहीं आते, दिस इज़ नॉट डन। मेक श्योर कि आप जो भी करें उसे 100% करें और अच्छे से करें, दैट कि इफ़ एनी पर्सन आस्क यू सडनली यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, ऐसे आप प्रैक्टिस करें। तो मेरी तो राय है कि मेक श्योर दैट यू गो फॉर द 100% प्रिपरेशन इन द प्री बोर्ड्स, कि आप पूरे जितने चैप्टर्स हैं पूरा 100% कोर्स कंप्लीट करके जाएं जो भी प्रिस्क्राइब्ड आईएससी का आपका है आईसीएससी का। पर अगर नहीं हो पाया कोई भी प्रॉब्लम की वजह से तो जितना प्रिपेयर करें उस पर 100% रहें और कॉन्फिडेंट रहें। दूसरी बात आती है कि रिविजन। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हम क्या रिवाइज करें, कि अगर हमारा ये पेपर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का ही मैं सब्जेक्ट ले रही हूँ तो कंप्यूटर की बात करते हैं कि हमने रिवीजन क्या क्या करें, लास्ट मोमेंट रिवीजन्स क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट मोमेंट रिवीजन्स कान नेवर हेल्प यू। हाँ कुछ को हेल्प कर जाता है, बट फॉर माई ये लास्ट मोमेंट पे आपको कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगी। तो मेक श्योर कि आप जो भी करें उसको स्टार्टिंग से ही करें रिवाइज। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 24 आवर्स हैं, आपको रिवाइज क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको मेक श्योर कि आप प्रोग्रामिंग रिवाइज करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही आपका जो वेटेज है 70-80 मार्क्स आपका जो पेपर होता है उसमें से आपका नॉर्मली आई वुड से 90% जो होता है वेटेज पूरा प्रोग्रामिंग पे ही होता है। तो आपको प्रोग्रामिंग में जैसे जो कुछ प्रोग्राम्स है लग रहे हैं कि ये 100% आएंगे और 100% श्योर प्रोग्राम से कि आपको लग रहा है जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा ही आएगा, और आपका उधर से फॉर लूप में ये वाला पैटर्न तो मैम देती ही है, दे आता ही है, नॉर्मली मैम पूछती हैं, तो मेक श्योर उनको आप एक बार उन वाले प्रोग्राम्स को एक बार देख के जाएं, लुक एट देम। उनको आपको देखने से आपको फ़ायदा रहेगा। और जैसे आपको पता है कि जैसे अगर ये सीरीज़ बहुत फेबोनाची ट्रिबोनाची दे आर द मोस्ट फेमस सीरीज़ तो ये आ सकती है, तो इनको एक बार देख के जाएं। मतलब जो फॉर श्योर क्वेश्चंस हैं उनको तो सुबह जरूर रिवाइज करें, और जो वो क्वेश्चंस आप कहीं अटक रहे हैं बार बार आप रिवाइज करने के बावजूद भी अगर आप कहीं अटक गए, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ा टफ रहता है प्रोग्राम बच्चों के लिए, तो या फिर आप कह सकते हैं कुछ जो सीरीज़ होती हैं एट द रेट ऐसे एक पूरा ट्राइंगल बनता है और एक डाउनवर्ड ट्राइंगल बनता है, ये सीरीज़ टफ हो जाती हैं और आपको अगर याद नहीं हो रही तो एक बार उनको रिवाइज करें थोड़ा सा। ओके, तो रिवीजन आपको ये करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा है तो देन गो फॉर द थ्योरी। थ्योरी पार्ट को लास्ट में कंसिडर करें, क्योंकि अगर आपकी प्रोग्रामिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो जो थ्योरी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो प्योर थ्योरी क्वेश्चन आंसर्स वाली होती है और दूसरी थ्योरी होती है आउटपुट इनपुट वाली की ब्रेक द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग। तो आउटपुट इनपुट भी आपका प्रोग्रामिंग पार्ट में कवर हो जाए, क्योंकि अगर आपकी प्रोग्रामिंग पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, इफ दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, अगर ये स्ट्रॉन्ग है आपका,
अगर ये स्ट्रांग है तो आपको थ्योरी में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, अराउंड 50% ऑफ द थ्योरी विल ऑल्सो बी कम्प्लीटेड. क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग पार्ट अगर आपका अच्छा हो गया, आपको पता है किस तरह से प्रोग्राम रन करता है, तो आपको आउटपुट और इनपुट प्रिडिक्शंस तो आपके इजीली हो जाएंगे, क्योंकि जो आता है आपका क्वेश्चन प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड. तो आपको जब आपकी थ्योरी अच्छी, अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, आपका प्रोग्रामिंग अप्रोच सही है, तो आप इसका तो आउटपुट तो डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे. तो उसमें क्या होगा, आपके थ्योरी का ही 50% बचेगा. तो ओनली 50% ऑफ योर थ्योरी कि में क्या बचेगा, आपका जो लर्निंग पार्ट होगा, जैसे डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, डिफाइन अ क्लास, डिफाइन इनहेरिटेंस, तो इस टाइप के थ्योरी के पार्ट बचेंगे. तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग अगर आपकी 100% हो गई तो आपके थ्योरी के 50% कम्प्लीशन हो जाती है, वो कम्प्लीट हो जाएगी. तो आपको, मेरे को उम्मीद नहीं है कि आपको जो आपका आंसर क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्म है वो आपको ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, वो भी इजिली हो जाएगा. तो मेक श्योर पहले प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो करें, प्रोग्रामिंग के बाद, उसके बाद आप आंसर्स वाला पे, जो आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल बिल्कुल एग्जैक्ट थ्योरीटिकल क्वेश्चन है, उन पर जाएँ. ओके, उसके बाद आता है लास्ट 10 ईयर्स. लास्ट 10 ईयर्स दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपके जो नॉर्मली प्री बोर्ड्स के जो पेपर्स बनते हैं, प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो आपका बनेगा वो 10 ईयर्स से ही बनेगा. बिकॉज टीचर, व्हाट दे टीचर्स डू, टीचर्स क्या करते हैं, 2015 का पेपर फोटोशूट करवा के आपको दे देंगे, आधा 2015 आधा 2016 का पेपर आपको जंबल अप करके आपको क्वेश्चन पेपर में दे देंगे. तो 10 ईयर्स प्रोग्राम्स आर मस्ट. और 10 ईयर्स प्रोग्राम करने से आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं इस एग्ज़ाम में बैठता हूँ, अगर मैं कंप्यूटर एग्जाम में बैठूंगी, तो मेरे को अपना स्टैंड पता चलता है कि वेयर आई स्टैंड, कि अगर 100 मार्क्स का जब पेपर आता है या 70 मार्क्स का आता है तो मैं कितना कर पाता हूँ. इट्स जस्ट लाइक आपका एक तरह से मॉक पेपर होता है, और उससे आपको आइडिया पड़ जाता है कि वॉट आर योर प्रिपरेशन, आपने कितनी करी है, कितना आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं, और क्या क्या अभी आपको और ज़रूरत है कौन से पार्ट में रिवाइज करने की. अगर जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में आपको फॉर लूप के पैटर्न्स में प्रॉब्लम आ रही है 10 ईयर्स करने में, तो इट मींस दैट आपका फॉर लूप का पार्ट अभी भी वीक है, सो यू हैव टू वर्क अपॉन द फॉर लूप पार्ट. तो इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलता रहता है. तो 10 ईयर्स तो आप करना ही चाहिए, आपको करनी ही है, क्योंकि प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली 10 ईयर्स से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा. आई गारंटी यू 90% आपका पेपर, मैं जो आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका डेफिनेटली पेपर 10 ईयर्स से आएगा. आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ अ वेरी बिग रेपुटेटेड स्कूल, एंड एज वेल एज आई वॉज एन ISC एंड ICSE स्टूडेंट, एंड आई हैव ऑल्सो स्कोर 99 इन बोथ. मेरे भी कंप्यूटर में ICSE में 10th में आए थे 99, और ISC में भी 99 आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो मेरे को इसका पूरा आइडिया है कि किस तरह से पेपर जाता है. तो अब उसके आती है प्रोग्रामिंग. मैंने जैसे आपको रिपीट कर रही हूँ, मैं इस पर बहुत फोकस करती हूँ, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप आगे BTech स्टूडेंट बनेंगे, अगर CSE में, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे, तो यही आपकी ब्रेड और बटर है. दिस इज़ योर ब्रेड एंड बटर, दिस इज़ एवरीथिंग इन योर फ्यूचर, अगर आप कंप्यूटर्स में अपनी फील्ड लेना चाहते हैं. तो प्रोग्रामिंग अभी से अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए, दैट वुड आई से, क्योंकि आगे आपकी ब्रेड और बटर, मतलब आपका जो रोज का फिर जो अर्निंग होगी वो प्रोग्रामिंग से ही होगी, इफ़ यू आर अ CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियर. तो मेरे हिसाब से प्रोग्रामिंग क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर होगा, मान लीजिए अगर 100 मार्क्स का है, तो आपकी 90 मार्क्स की तो प्रोग्रामिंग ही आएगी. ओके, अगर 90 मार्क्स की प्रोग्रामिंग है, आप अगर थ्योरी पे ही कॉन्सेंट्रेट करे जा रहे हैं, थ्योरी आप पूरे मतलब 3-3 आवर्स 4-4 आवर्स आप थ्योरी पे ही फोकस कर रहे हैं, और यू आर नॉट डूइंग अ प्रोग्रामिंग, इट मींस कि आपको खाली 10 मार्क्स ही आएंगे आउट ऑफ 100, क्योंकि बाकी जो 90 मार्क्स है आपको प्रोग्रामिंग से ही आएंगे. और मेक श्योर प्रोग्रामिंग जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप अपने आप ट्राई करें पहले, किसी से कॉपी करने से पहले. क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप करेंगे प्रोग्राम ट्राई, तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं. पर अगर आपने किसी से कॉपी करा है, कॉपी करेंगे तो आप हमेशा यू विल फॉरगेट, आप भूलेंगे ही अगर इफ़ यू कॉपी, क्योंकि कॉपी करने में बंदे को याद नहीं रहता. पर अगर आपने खुद ने वो चीज़ क्रिएट करी है ना, खुद अगर आपने प्रोग्राम या कोई लॉजिक क्रिएट करा है, यू विल रिमेंबर इट फॉर लाइफ. ये मैं आपको खुद बता रही हूँ, यू विल रिमेंबर इट फॉर लाइफ, क्योंकि कभी नहीं भूलेंगे आप फिर. ओके, तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ प्रोग्रामिंग पे अप्रोच ज़्यादा रखें, क्योंकि आगे आपकी ब्रेड और बटर इफ़ यू आर CSE, उसके लिए आपको हेल्प आएगा, और आपका प्रोग्रामिंग का ही आपका जो वेटेज है प्रोग्रामिंग की तरफ ही ज़्यादा है. तो इसलिए प्रोग्रामिंग अप्रोच अपनी ज़्यादा रखें. अगर मान लीजिए प्री बोर्ड से जाने से पहले अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप प्रोग्रामिंग ही खाली प्रैक्टिस करके जाएं, थ्योरी को एक बार को यू कैन निगलेक्ट, क्योंकि थ्योरी इज़ नॉट, उसके इतना वेटेज नहीं होता. प्रोग्रामिंग पे अप्रोच रखें, ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. और अगर आप ये सब फॉलो करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपके 90% मार्क्स से ऊपर कोई रोक सकता है लाने से. यू विल डेफिनेटली गो फॉर द 90% मार्क्स. और बस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपना स्टडी मटेरियल कंप्लीट रखें, चाहे वो ट्यूशन होए, कोड इफेक्टिवली से होए, कहीं से भी होए, मेक श्योर यू कंप्लीट.
अगर फैक्ट अगर फॉर लूप का ही अगर प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं तो फॉर लूप के से कोड इफेक्टिवली से आप प्रोग्राम्स ले सकते हैं, बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं अपने 10 ईयर से, पर मटेरियल पूरा होना चाहिए आपके पास। और कोड इफेक्टिवली चैनल को आप एक बार पूरी इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी मतलब अगर 10th स्टैंडर्ड के अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो दे आर मोर देन 50+ प्रोग्राम्स इन को ऑन को 50 क्यों 80+ प्रोग्राम्स ऑन कोड इफेक्टिवली चैनल। तो आप इस पर जाके देखें 10 ईयर्स के, मैंने नॉर्मली 10 ईयर्स की ही प्रोग्राम उठाती हूँ हमेशा, तो 10 ईयर्स के प्रोग्राम इस पर आपको सारे मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ गो और कोड इफेक्टिवली पे देखते रहें और इस पर चैनल पे स्टे ट्यून रहें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हाउ टू राइट द आंसर शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि काफ़ी बच्चों की प्रेजेंटेशन ख़राब रहती हैं, उसकी वजह से दे लूज मार्क्स इन स्पाइट कि उनका आंसर सही है। तो इससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द कोड इफेक्टिवली चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।